गणपतये नमः। आज बुधवार के दिन आइए सुनते हैं गणेश जी की यह कथा, जिसे किसी भी व्रत या अन्य किसी कथा को सुनने के बाद अनिवार्य रूप से सुना जाता है। गणेश जी की पूजा के उपरांत विनायक जी की कथा, गणेश जी की कथा को सुनना अत्यंत ही शुभ होता है। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से आती हैं। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा, थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया हूँ। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए, तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी, तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गए। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है, तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे, तो पंडित जी ने बोला कि ओ गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही
मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ तथा सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया, तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहते को, सुनते को और सारे परिवार को दे देना। बुधवार का दिन व्रत रखने के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन बुध देव के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन व्रत रखने से जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बुद्धि में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक बुधवार के व्रत की शुरुआत विशाखा नक्षत्र बुधवार से होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान विधि पूर्वक बुधवार का व्रत रखता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बुधवार का व्रत रखने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है तथा व्यक्ति समृद्धशाली बनता है। यह व्रत रखने से किसी भी व्यक्ति को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। बुधवार का व्रत रखने से विभिन्न क्षेत्रों में सफलता मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।